गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग काफ़ी दिनों से चार्ज में LDC एग्ज़ाम के लिए इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार पूरा हुआ और आप लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये एग्ज़ाम क्रैक करें, क्योंकि काफ़ी सालों से कंडक्ट भी नहीं हुआ तो सीटें भी बहुत अच्छी होंगी। और मैं आपको मैकेनिकल से संबंधित कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ गाइड करना चाह रहा था। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जिनके पास डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग है वो मैकेनिकल सब्जेक्ट के साथ इस एग्ज़ाम में उतरेंगे, तो आप लोगों ने वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बाहर भी कंपटीशन की तैयारी की होगी। इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाह रहा था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है क्या और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें तो आप कम मेहनत से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे तीन पार्ट आते हैं, जिसे हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल डिज़ाइन, तीन चीज़ें कहते हैं। इसमें जो हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का पार्ट है, एक नॉर्मल सा स्टूडेंट इसमें काफ़ी अच्छा कर सकता है थोड़ी सी मेहनत करके, यदि उसे कॉन्सेप्ट समझ के आ जाए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के और MIPGR प्रोडक्शन प्रोसेस जिसे कहते हैं। इसमें आने वेल्डिंग, मेटल कटिंग, मेटल कास्टिंग, मेटल फॉर्मिंग, मेट्रोलॉजी, लेथ, इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो अच्छा कर सकता है। और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव यदि प्रैक्टिस कर ले तो ये बहुत ईजिली कवर हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि 4-5 महीने का सब्जेक्ट है एक, सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ के, सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ने में लग जाएंगे तो 4-5 महीने का समय कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट देखने हैं। इसके साथ साथ जनरल इंजीनियरिंग भी देखनी है और आपके जो फैक्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो भी देखना है। तो मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि जो आपका जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो जो पार्ट है और आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव हो, कुर्मी की हो या आरके जैन की हो, उसे काफ़ी अच्छे से पढ़ें। क्योंकि ये देखा गया है कि, और पिछले पेपर भी मैंने देखे हैं, कि जो 40% जो पार्ट है इस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से ही पूछा जाता है। और चार्जमैन LDC के पेपर को इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, ईजी होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है और ज़्यादा आपको डीप में घुसना भी नहीं है। इसलिए आप एक खुरमी आरके जैन की ऑब्जेक्टिव से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन है सबसे पहले लगाना चालू कर दें आप, या आप जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। और जो मैंने तीन पार्ट बताए थे, पहला प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, दूसरा थर्मल इंजीनियरिंग, उसका जो दूसरा पार्ट है थर्मल इंजीनियरिंग, इस थर्मल इंजीनियरिंग बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इसे रटेंगे तो बार बार गलती करेंगे। इसमें जो बेसिक थर्मोडाइनेमिक्स के कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे, इसमें बहुत सारी साइकिलें आती हैं, और इसके बाद इसमें रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनिंग है, IC इंजन है, इंटरनल कम्बशन इंजन जिसे कहते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफ़र है, और फ्लूड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि और यदि आपके अच्छे सब्जेक्ट हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि कोई अच्छे कॉन्सेप्ट दे के यदि आपको कुछ गाइड कर सके तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आजकल देखा गया थर्मल, बेसिक थर्मल इंजीनियरिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मेनली फार्मूला बेस्ड भी होते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, आप ईजी पूछा जाएगा। इसलिए आपका यदि सब्जेक्ट तैयार है तो ये बेसिक थर्मोडाइनमिक्स आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो पार्ट है डिज़ाइन का है, एक डिज़ाइन में जो है थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिज़ाइन की तीन सब्जेक्ट है मेनली। इसमें सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कॉमन सब्जेक्ट रहता है, ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हैं, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिज़ाइन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिशियल ये भी है कि जनरल इंजीनियरिंग में लगभग 20% जो सवाल होते हैं
वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित रहते हैं। तो साथ साथ ये समझ लीजिए, यदि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छे से कर रहे हैं तो आपकी साथ ही साथ जनरल इंजीनियरिंग के भी 20% लगभग 1/4 1/5 टॉपिक जो कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो आपके जो तीन सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले तो आप एक अच्छी सी ऑब्जेक्टिव किताब लीजिए और उसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के जो हैं कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट की कोई किताब हो तो वो पढ़ के, यदि नहीं भी हो तो इसके ऑब्जेक्टिव की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी देखा है कि इनमें कई ऑब्जेक्टिव ऐसे रहते हैं कि यदि आप उनके कॉन्सेप्ट में घुसना चाहेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। मैं तो आपको एडवाइस करता हूँ कि आर के राजपूत की बुक लीजिए, और आर के राजपूत की बुक में जो भी हो एक तरफ से, या खुरमी की बुक हो, कोई सी भी ऑब्जेक्टिव बुक हो मैकेनिकल की, एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और यदि आपको कुछ मदद की ज़रूरत होगी तो मुझसे बताइएगा। अभी फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।